अभी कुछ दिन पहले 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस के एक एएसआई शंभोदयाल मीना जी थाने में थे, उसी वक्त एक महिला आई और उन्होंने शिकायत की कि किसी ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया है, उनके पति का। शंभोदयाल जी उस महिला के साथ गए और मार्केट में उस महिला ने दिखाया कि इस व्यक्ति ने उनका मोबाइल छीना है। शंभोदयाल जी ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उस व्यक्ति के पास चाकू था, उसने चाकू निकाल के शंभोदयाल जी के ऊपर कातिलाना हमला किया। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए, साहस दिखाते हुए उसको छोड़ा नहीं, उस व्यक्ति को। जब तक पुलिस की और पुलिस फोर्स नहीं आ गई और उसको पकड़ नहीं लिया, तब तक उन्होंने उसको छोड़ा नहीं और उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ काम किया। लेकिन इस दौरान उनकी जान चली गई इस पूरे हादसे के अंदर। हमें शंभोदयाल जी जैसे अपने पुलिस वालों के ऊपर बहुत गर्व है। आज के ज़माने के अंदर ऐसे पुलिस वाले कहाँ मिलते हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के समाज की सेवा करें। ऐसे बहुत कम लोग हैं। पूरे देश को, पूरे दिल्ली को उनके ऊपर गर्व है। ऐसे लोगों की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की तरफ से अभी मैं उनके पूरे परिवार को मिला, उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनका बेटा दीपक, उनकी 2 बेटियां, इन सब से मैं मिला और उनके परिवार को हमने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। मैं समझता हूं कि इससे उनके परिवार को थोड़ा सा सहारा मिलेगा और भी किसी भी तरह की उनके परिवार को कभी भी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शंभोदयाल जी की आत्मा को शांति दे।